जगह जगह पर चुनाव चुनाव का भी माहौल है। चुनाव अगले महीने होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां की गई हैं। आचार संहिता को देखते हुए जगह जगह पर प्रशासन की भी सख्ती नजर आ रही है। और अब रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता नितिन मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। जी नितिन, आज राजधानी रायपुर में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी? देखिए, चाहे पूरे प्रदेश में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर सबसे बड़ा रावण का दहन किया जाएगा। 110 फीट के रावण की यहाँ पर तैयारी की गई है। साथ ही कोलकाता और मुंबई से जो है आतिशबाजों को बुलाया गया है आतिशबाजी करने के लिए, क्योंकि जो पिछली बार आतिशबाजी यहाँ पर हुई थी तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ का नाम दर्ज हुआ था। तो मैं यहाँ पर कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि पीछे एक बार जो WRF कॉलोनी है वहाँ का नजारा दिखाए कि किस प्रकार से अभी तैयारी चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर कुंभकर्ण, मेघनाथ और अन्य जो सबका पुतला जो तैयार किया जा रहा है। साथ ही आतिशबाजी जो है करने के लिए बाहर से जो है आतिशबाज बुलाए गए हैं, पटाखे लाए गए हैं, ऑटोमेटिक पटाखों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं आपको बता दूं कि 110 फीट का रावण जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। साथ ही इसके पीछे बता दूं मैं आपको कि इसके पीछे मैं आपको बता दूं कि जो रावण के मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो 90 फीट का पुतला तैयार किया गया है। तो ये दिखा दूं आपको मैं, उधर देखेंगे आप तो जो रावण के 10 तार हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, अभी भी लगातार जो है काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी यहाँ पर चारों तरफ, और शाम को CM भूपेश बघेल रावण का दहन करने यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर करीब 130 जवानों का घेरा रहेगा, AK-47 से लैस जवान जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। और इसी समय पॉलिटिकल खबरों की बात करने चाहे तो मैं बता दूं आपको कि अब बीते दिनों भूपेश बघेल जो CM मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने घोषणा करी है किसान की कर्ज माफी की। अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वो कर्ज माफी पूरे प्रदेश में करेंगे। अब ये पूरा मुद्दा सियासी हो चल रहा है। अब वह भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसका इंतजार कर रहे हैं। वही ट्विटर वॉर दोनों पार्टियों के बीच चल रहा है। CM भूपेश बघेल की घोषणा के बाद लगातार जो रमन सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री है वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये जुमले की सरकार है या फिर जो भी कटाक्ष वो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कर रहे हैं। इसी साथ मैं बता दूं कि बस्तर में जो है और राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटों पर जो 20 सीटों पर पहले चरण का चुनाव होना है उसमें आपको बता दूं कि जो कांग्रेस और BJP दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। तो जो कांग्रेस की प्रभारी है कुमारी शैलजा वो आज बस्तर के दौरे पर रहने वाली है, जगदलपुर जाएगी वो और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी और चुनाव के लिए उनको चार्ज करेंगी। इसी के साथ मैं और बड़ी खबरें आपको बता दूं कि जो BJP की जो 4 सीटें बची हुई हैं जिन पर अभी तक घोषणा नहीं हो उनकी जो सूची आज जारी हो सकती है। बता दूं कि जो मुहूर्त देखकर पार्टियां अभी जो आगामी सूची है वो जारी कर रही है। जैसे कि अपन कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी सूची जारी की थी। वहीं भाजपा ने इसके पीछे बताया था कि कांग्रेस मुहूर्त देखकर सूची जारी कर रही है। कल जो परसों देर शाम कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बाकी हुई 7 विधानसभा सीटों उनकी सूची भी जारी कर दी थी। तो मैं आपको इसी तरह जो ईडी की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। हम ईडी की कार्रवाई में जो है राइस मिनर्स के यहाँ ईडी ने जो छापा मारा था कई ठिकानों पर उसमें 1 करोड़ रुपए जो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है ईडी ने अभी जब्त किए हैं। 175 करोड़ रुपए का ये घोटाला जो है सामने आ रहा है। इसी तरह बता दूं कि ईडी ने इस घोटाले को प्रोत्साहन घोटाला का नाम दिया है, इस ऑपरेशन को जो ईडी ने नाम दिया है। ईडी ने 2 दिन तक कार्रवाई की थी, इसके बाद जो है कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जो है उनके हाथ लगे हैं। इसके बाद ईडी की लगातार कार्रवाई जो है चल रही है। नामांकन की बात कर लें तो 21 अक्टूबर से जो 70 सीटों के लिए नामांकन जो है प्रदेश में शुरू हुआ था, तो 70 सीटों के लिए विधानसभा में अभी 64 नामांकन जो है दाखिल हुए हैं। 30 अक्टूबर तक जो है अभ्यर्थी नामांकन भर सकेंगे अपना। इसी तरह बता दूं 2 नवंबर की जो तिथि डिसाइड की गई है उसमें अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसी के साथ और बड़ी खबरें आपको बता दूं तो मैं जो रायपुर और दुर्ग के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वो दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी नितिन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।